लिनोवो योगा C940 2-in-1 लैपटॉप। पिछले 3 हफ्तों से ये वाले लैपटॉप को मैं यूज कर रहा हूँ और सबसे पहले थैंक यू लिनोवो का ये रिव्यू यूनिट हमारे स्टूडियो में भेजने के लिए। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ प्रॉपर रिव्यू कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर इस 2-in-1 लैपटॉप की मैं बात करूँ तो इसको बेस्ट कंसिडर किया जाता है एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा जो इसको बनाता है बेस्ट अपनी कैटेगरी के अंदर। और ये एक पहला 2-in-1 लैपटॉप है जो मैं यूज कर रहा हूँ, पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था 2-in-1 लैपटॉप के साथ। और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी और कुछ फीचर्स के बारे में। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्रीमियम ऑल मेटल डिजाइन मिलता है, एल्यूमिनियम से बनी हुई बॉडी है जिसमें आपको मिलता है रोटेटिंग साउंड बार जो मैंने पहली बार किसी भी लैपटॉप में देखा है। ट्रस्ट मी, जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग है। साउंड बार के बाद जहां पे मेरी नजर गई वो है इसका रिवर्स नॉच वाला स्टाइल जिसकी मदद से एक तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, दूसरा इसको ओपन करना बहुत ज्यादा इजी है। सिंगल हैंड से आप इसको ओपन कर सकते हो और इस रिवर्स नॉच स्टाइल की वजह से आपको यहाँ पे फिजिकल शटर मिलता है आपके वेबकैम को हाइड करने के लिए। जब आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे शटर को लगा सकते हो और आपको कोई भी डर नहीं रहेगा कि कोई आपके वेबकैम के थ्रू आपको स्पाई कर रहा है। तो ये काफी अच्छा फीचर मुझे लगा आपकी प्रिवेसी को मेंटेन करने के लिए। और लास्ट में ये है 2-in-1 लैपटॉप। तो लैपटॉप मोड से टैबलेट मोड के अंदर डालने का जो मैकेनिज्म है बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छे से जो इसका स्क्रीन है वो काम करता है। जब यहाँ पे रेगुलर लैपटॉप मोड के अंदर है तब आप इसको यूज करो बहुत ही मजे से, जैसे हम नॉर्मल लैपटॉप को यूज करते हैं। बट अगर आप टैबलेट का मजा लेना चाहते हो आपको बस फोल्ड करना है इस वाले लैपटॉप को और ये बन जाएगा टैबलेट। और यहाँ पे टैबलेट एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए लिनोवो आपको देता है एक पेन जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा हैंड राइटिंग और ड्रॉइंग वगैरह करने के लिए। मैं यहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट नहीं हूँ तो मैं इतना ज्यादा अच्छा डेमो तो इसका नहीं दे सकता। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो पेन है ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा छोटा मुझे लगा, तो इस पेन से मैं उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। बट जो लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हैं जो ड्राइंग वगैरह करना चाहते हैं या फिर हैंडराइटिंग करना चाहते हैं अपने टैबलेट पे, उनके लिए एक अच्छा पिक हो सकता है। यहाँ पे आपको 14 एंड 15 इंच के अंदर ये वाला लैपटॉप मिल जाएगा, 2 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो ये है माइका कलर, इसके अलावा यहाँ पे ग्रे कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा। और स्क्रीन साइजेस जो है 14 एंड 15 इंच आपको मिलेगा और दोनों ही स्क्रीन साइजेस में आपके पास ऑप्शन है, आप फुल एचडी रखना चाहते हो या 4K पे भी जा सकते हो। ये जो स्पेसिफिक मॉडल है ये है 14 इंच फुल एचडी मॉडल, क्योंकि मुझे एक अच्छी बैटरी लाइफ वाला लैपटॉप चाहिए था तो मैंने ऑप्ट किया यहाँ पे फुल एचडी और वो भी 14 इंच के साथ। और अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की। C940 में हमें मिलता है 10th जेन वाला इंटेल i7 प्रोसेसर। ग्राफिक्स के लिए हमें यहाँ पे मिलते हैं इंटेल आयरस प्लस ग्राफिक्स। अगर रैम की बात करें तो 16GB LPDDR4 रैम और स्टोरेज के लिए हमें यहाँ पे मिलेगी 512GB वाली SSD। स्पेक्स की अगर मैं बात करूं तो किसी भी मामले में आपको लेट डाउन नहीं करेगा ये लैपटॉप। अब यहाँ पे स्पेक्स की बात कर ही रहा हूँ तो एक चीज बता देता हूँ, अगर आप गेमिंग बहुत ज्यादा करना चाहते हो, गेमिंग के लिए एक लैपटॉप देख रहे हो तो ये जो लैपटॉप है ये शायद आपके लिए ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलेगा, तो वो एक थोड़ा सा बमर है। लो एंड अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो वो आप इसके ऊपर बहुत ही मजे से कर सकते हो। बट जितने भी मेरे गेमिंग्स के फैन है, लिनोवो का ही गेमिंग सीरीज वाला जो लैपटॉप है उसका रिव्यू भी थोड़े ही दिनों में मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये जो लैपटॉप है ये गेमिंग को छोड़कर सारी चीजों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप फोटोशॉप वगैरह यूज करना चाहो तो बहुत ही स्मूथ फोटोशॉप का एक्सपीरियंस मुझे मिला इसके अंदर। और क्योंकि एक टच स्क्रीन पैनल है तो यहाँ पे जब मैं फोटोशॉप यूज कर रहा था तो पिंच इन पिंच आउट वाले जो फीचर्स हैं वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए टच स्क्रीन होने की वजह से, जो मेरा मैकबुक है उसमें वो पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं उस फीचर पे जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और वो था इसका साउंड बार। यहाँ पे जो म्यूजिक क्वालिटी है इस वाले लैपटॉप की वो बहुत ही टॉप नॉच है, ऐसी क्वालिटी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ मुझे मैकबुक में भी नहीं मिली। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है, क्योंकि एक रोटेटिंग साउंड बार है तो जैसे अभी आप देख रहे हो मैंने लैपटॉप वर्जन में इसको रखा हुआ है और अगर अभी मैं म्यूजिक चलाता हूँ तो स्ट्रेट जो ऑडियो है आपके कानों में जाएगी। और अगर आपने इसको कुछ इस तरीके से टैबलेट मोड के अंदर रखा हुआ और आप इस तरीके से यूज कर रहे हो तो भी जो ऑडियो है वो आपकी तरफ ही रहेगी। और ये जो फीचर है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और साथ साथ में क्योंकि रोटेटिंग साउंड बार है तो ऐसा नहीं है कि जो ऑडियो है वो सिर्फ आपको यहीं से मिलेगी, नीचे की साइड की अगर मैं बात करूं नीचे आपको 2 स्पीकर देख रहे होंगे, उसके अलावा है यहाँ पे साउंड बार। जो यहाँ पे म्यूजिक की क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल है। और अब अगर एक स्पीकर का डेमो दूं आपको, आपको नहीं मिलता आप कोई भी ऑप्शन ले लो, यहाँ पे जो आपकी सिस्टम मेमोरी है उसी को वीडियो कार्ड यूज करता है। तो अगर आप वीडियो एडिटर हो, एनिमेशंस वगैरह करते हो, 3D का कुछ भी काम है तो आपको जाना चाहिए 16 इंच के ऊपर। और अगर आप स्पीकर्स की परफॉर्मेंस तो आपने देखी एंड प्लीज मुझे कमेंट कर बताना कि कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस। मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि काफी ज्यादा पसंद आई होगी। एंड अब बात करते हैं
स्क्रीन की। यहाँ पे जो स्क्रीन है वो है 14 इंच की, फुल एचडी डिस्प्ले है 400 निट्स वाला और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ये डिस्प्ले है। तो इसके ऊपर जब आप वीडियोस देखते हो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। स्क्रीन के साथ एक पंगा यहाँ पे है क्योंकि ये ग्लॉसी स्क्रीन है, मैट स्क्रीन नहीं है, तो जब आप आउटडोर्स में इसको यूज करते हो तो वहां पे ग्लेयर्स का थोड़ा सा इशू आता है। अगर आप आउटसाइड में इसको काफी ज्यादा यूज करना चाहते हो तो थोड़ा सा पंगा इसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये प्रॉब्लम मुझे लगी इस स्क्रीन के साथ। और यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो है 7 mm थिन, क्योंकि आप इसको टैबलेट की तरह भी यूज करते हो तो आपका हाथ बार बार साइड पे ना लगे, तो उसके लिए ये चीज काफी ज्यादा अच्छी मुझे लगी। और स्क्रीन के बाद अब आ जाते हैं कीबोर्ड पे। कीबोर्ड से भी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, बट 14 इंच वाले वर्जन के अंदर आपको नंबर पैड नहीं मिलेगा, 15 इंच वाले में आपको नंबर पैड मिल जाएगा। तो नंबर पैड अगर आपके लिए जरूरी है तो आप ऑप्ट कर सकते हो 15 इंच, बट मुझे इसके कीबोर्ड से कोई भी दिक्कत नहीं लगी। जो यहाँ पे की ट्रैवल है वो थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पे जो कीबोर्ड है काफी अच्छा है, वाइट बैकलाइट आपको यहाँ पे मिलती है, तो टाइपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा ही रहेगा। और कीबोर्ड के बिल्कुल नीचे आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट रीडर जो कि काफी ज्यादा तेज है, उंगली लगते ही आपका लैपटॉप हो जाता है अनलॉक। और अब आते हैं दूसरी चीज पे जो मुझे नहीं पसंद आया इस वाले लैपटॉप के अंदर, वो है पोर्ट्स। अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे 3 पोर्ट मिलते हैं, राइट साइड में कोई भी पोर्ट नहीं है, राइट साइड में सिर्फ आपको पावर ऑन ऑफ वाला बटन दिखेगा। अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो यूएसबी ए पोर्ट और 2 थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, साथ में हेडफोन जैक। अगर इस साइड पे भी 1-2 पोर्ट्स होते तो शायद मजा आता। और जो लोग यहाँ पे विंडोज लैपटॉप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, काफी लोग प्रेफर करते हैं कि ईथरनेट पोर्ट भी मिले, तो ईथरनेट पोर्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आप मेरी तरह डोंगल लाइफ के यूज टू हो चुके हो तो शायद इतना फर्क ना पड़े, बट फिर भी अगर राइट साइड में कुछ पोर्ट्स होते तो ज्यादा अच्छा रहता। लास्ट में मैं बात करूंगा बैटरी के बारे में। लिनोवो क्लेम करता है 15 घंटे की बैटरी लाइफ, बट मुझे यहाँ पे जो बैटरी लाइफ मिली है वो मिली है 10 से 12 घंटे के बीच में। जब मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस इसके ऊपर देखी हैं तब मुझे ऑलमोस्ट 11 घंटे के आसपास वीडियो मिली है, तो आप 10 से 12 के बीच में एवरेज लगा सकते हो बैटरी लाइफ का। अगर आपके पास यहीं पे अल्ट्रा एचडी वाला वर्जन होगा तो 2-3 घंटे बैटरी आप और कम कर लो। अब आ जाता हूं मैं कंक्लूजन पे, बट कंक्लूजन से पहले आपको बता देता हूं प्राइस। ये वाला जो मॉडल है यह है $1,399 का और इसके साथ मैंने टैक्स ऐड नहीं किया, तो टैक्स ऐड करने के बाद ही चल जाएगा ऑलमोस्ट कुछ 1500 समथिंग का। तो क्या इस प्राइस रेंज में लेना चाहिए या नहीं, वही अब मैं आपको बताता हूँ। ये लैपटॉप सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं, बाकी अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो ये लैपटॉप आपको निराश नहीं करेगा। और 1399 का जो टैग है वो बहुत ही जस्टिफाइड है इस प्रीमियम लैपटॉप के लिए। देखने में ये वाला जो लैपटॉप है बहुत ही कूल है और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है रोटेटिंग साउंड बार और उसके साथ ही ये टैबलेट वाला मोड। और आप मुझे बताओ कैसा लगा आपको ये वाला लैपटॉप, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद है। और अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं लेके आ रहा हूँ गेमिंग लैपटॉप का भी रिव्यू। ये वीडियो कैसी लगी बताओ मुझे कमेंट्स में, जो रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। इसी के साथ वीडियो को करता हूँ खत्म, अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।